सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आइए, 75 डेज का 72वां दिन फाइनली पानी वानी पी के फ्रेश हो गया। चलो चलते हैं, फिलते हैं ग्राउंड में, क्योंकि एडिटिंग करते करते बच गए एक और। मैं वही समझ रहे हो भाई, लेट हो जा रहा है इस समय, क्योंकि शादियों का सीजन है और जाना तो पड़ेगा ही। तो चलो चलते हैं, मिलते हैं ग्राउंड में। लो भाई, देखो फाइनली मैं ग्राउंड में आ चुका है एंड ग्राउंड में दौड़ रहा मोनू, और कोई है नहीं। तो चलो चलते हैं, दौड़ते उसके बाद मिलते हैं। लो भाई, दौड़ ख़त्म कर दिया, अब करते एक्सरसाइज। एंड आज मैंने मारे फील्ड के 16 राउंड, अचानक से मारा लग गया, समझ रहे हो। पहले 10 12 12 10 यही मारता था, 15 मारता था, लेकिन आज 16, मजा आ गया। चलो चलते करते एक्सरसाइज, उसके बाद मिलते हैं। एक्सरसाइज कंप्लीट एंड चलो चलते हैं, मारते हैं पुशअप और डंड, उसके बाद मिलते हैं। क्या हाल है, कैसे हैं? आप अकेले अकेले वीडियो? अरे अकेले तो मान लीजिए हम अकेले ही रहते हैं ना, आप कभी कभी आ जाते हो मेरे वीडियो में आ जाते हैं। चलिए आइए, डंड मार सब मारा जाए, आइए आज हमारे साथ मारिए। आ रहे हैं, आइए एकदम। तो चलो चलते हैं, मारते हैं। देखो सारे एक्सरसाइज कंप्लीट, डंड और पुशअप मार के मैंने कंप्लीट कर दिया। एंड एक बात बताना चाहूंगा आप लोगों को, ये मोटिवेशनल में ही ले लो भाई, जो भी ले लो, कोई भी काम करो तो उसके पीछे लगो एंड करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो। देखो मेरा 75 डेज कंप्लीट हो गया, मेरा एक वीडियो वायरल नहीं गया, तो उससे क्या फर्क पड़ता है भाई। 2 साल में जाएगा, 3 साल में जाएगा, 4 साल में जाएगा, 5 साल में जाएगा, कभी तो जाएगा। लेकिन जिस दिन जाएगा, इंडिया का मोस्ट पॉपुलर ब्लॉगर मैं बनूंगा, इतना जान लो। मेरा चार्ज सबसे महंगा होगा एंड एक चार्ज में इतना जान लो कुछ भी खरीद सकता हूँ, मतलब इतना हाई होगा जो भी होगा, ठीक है। तो अब फिलहाल चलो चलते हैं घर एंड इसे मजाक में ले लो या मोटिवेशन में ले लो या कुछ भी ले लो, तुम्हारी मर्जी। चलते हैं घर, नहाते धोते हैं, मंजन करते, उसके बाद पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं भाई, शिव पुराण, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, कल तो हम लोग सीता जी का, पार्वती जी का एंड महादेव जी का शादी के विवाह में पढ़ा है, आज देखेंगे क्या पढ़ना है। तो जो भी पढ़ना है मजा आएगा, चिल करना। तो चलो चलते हैं शिष्ट। तो भाई देखो, नहा धोके रेडी एंड अब चलो चलते हैं पढ़ते शिव पुराण। एंड मुझे पता नहीं है कि क्या पढ़ना है, जो भी पढ़ना है, तो चलो चलते हैं, देखते हैं, तो बताएंगे पढ़ने के बाद। तो भाई देखो, शिव पुराण पढ़ लिया एंड शिव पुराण में पढ़ा शिव विवाह, समझ रहे हो। तो लगाऊंगा, देख लेना, एंड एक खबर है, खाना खाने के बाद बताऊंगा, ठीक है। तो चलो चलते हैं, पहले देखते हैं खाने में क्या बना है। भाई देखो, ये रहा मेरा आज का खाना एंड मिलते हैं खाने के बाद। भाई देखो, खाना वाला खा के रेडी एंड एक बात जो बता रही थी वो खास तो नहीं है, लेकिन खास भी है और नहीं भी है मेरे लिए। सिचुएशन भरा समय है, इतना जान लो कि भगवान हमेशा तुम्हारे हर वक्त हर मिनट हर पल तुम्हारा परीक्षा लेने के लिए तैयार है, लेकिन तुमको मौन रहना है। जैसे कि मेरा जो है ट्रेन का टिकट सूरत के लिए कट गया भाई, और इमरजेंसी में जाना है मुझे, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कुछ, क्या करना क्या नहीं करना, वीडियो कैसे अपलोड करेंगे, वीडियो कैसे शूट करेंगे, बनाएंगे कैसे, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। आज 75 डेज का 72वां दिन है और 3 ही दिन केवल बचा है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई, करूँ तो करूँ क्या। लेकिन जो भी है परीक्षा है, तो मतलब मैं क्या बोलूं, मैं कुछ समझ में नहीं पा रहा हूँ। एक मिनट। तो भाई देखो, वो ग्वाला थे, थोड़ा सा बात कर रहे थे, उनसे बात करने में सॉरी इसके लिए। एंड ये मैं कह रहा हूँ कि भाई मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जो भी होगा प्रभु के इसमें कोई ना कोई कारण होगा तभी, समझ रहे हो। तो चलो देखेंगे जो होगा, तो बेस्ट ऑफ द लक, बेस्ट लक, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक, हाँ ये सही है। देखो सारे काम कर चुके एंड काम करते करते कब बज गया शाम मुझे पता नहीं चला। तो चलो चलते हैं अब जिम, और ये जो सूरत वाली बात है वो क्लियर है भाई, तो उसे कोई टाल नहीं सकता। जिम पर चलो चलते हैं करते, उसके बाद बताऊंगा कैसी हुई ये सब कहानी। What if we have that kind of attitude? The cause repossessed. Nobody believes in you. You've lost again and again and again. आज के सारे वर्कआउट खत्म, आज मेरा बैक एंड बाइसेप्स और एब्स था, तो मार के वर्कआउट कर दिया खत्म। अब चलो चलते हैं घर। फिलहाल जो भी था बहुत ही अच्छा था, बहुत ही टर्न कंडीशन में मारा, मतलब ये सोच सोच मार रहा था कि कल जाना है सूरत, कल जाना है सूरत, कल जाना है सूरत, समझ रहे हो। तो मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करें, लेकिन जो भी होगा
बैग में मैं सोच रहा हूँ ईटा भर के ले जाऊँ, क्योंकि एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अभी तो प्लान बनाया नहीं हूँ, जो भी करूँगा घर चल के बताऊँगा। तो ये रही मेरी आज की सेल्फी, एंड मिलते हैं घर। भाई देखो जिम से आ चुके घर, एंड मुझे आए हुए तकरीबन आधे घंटे हो गए। चलो चलते हैं, फिलहाल खाते हैं खाना एंड नहा धो के रेडी हो गया मैं। भाई दो टाइम नहाता हूँ, एक सुबह एक शाम, ये भी बताना जरूरी है। दो टाइम पूजा करता हूँ और दो तीन टाइम खाता हूँ, समझ रहे हो। तो वो क्लियर है, एंड जब जाएंगे तो बताएंगे। तो चलो चलते हैं, देखते हैं आज खाने में क्या बनाया है। भाई देखो खाना वाना खा के रेडी, एंड आज मैंने खाया पुलाव, पूरी एंड मशरूम की सब्जी, आलू गोभी की सब्जी। और एक बात बताना भूल गया भाई कि मजबूरन भाई खाना पड़ता है, क्योंकि घर पे जो सब लोग खाएंगे वही ना खाना पड़ेगा। तो वैसे ही पूड़ी था, जो भी था, मीठा नहीं खा रहा हूँ, लेकिन भाई पूड़ी तेल है जो भी है। आधा घंटा एक घंटा वर्कआउट कर दूंगा, वो तो सब खत्म हो जाएगा। ज़्यादा नहीं खाता हूँ, मतलब थोड़ा जितना खाना चाहिए कैपेसिटी पर। अभी इतना नहीं कि 100 पूड़ी, 50 पूड़ी, 20 पूड़ी ऐसे खाओ, ऐसा नहीं है भाई। जितना मतलब चल सके, हाँ ठीक है 5 पूड़ी खा लिए और थोड़ा चावल खा लिए, काम कहानी बंद हो गया, समझ रहे हो। तो आज का लास्ट टॉपिक, मतलब वीडियो आज का यही तक, सारे टास्क हो गए कंप्लीट, पारी का टास्क कंप्लीट हो गया, एक्सरसाइज भी कर लिया। तो आई होप यू जैद इस वीडियो पसंद आओ, तो प्लीज़ यार लाइक करना, नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलते ऐसे नए वीडियो में। तकलीफ आए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। एंड एक बात ये बता रही थी कि सूरत वाली, तो मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, क्योंकि दो दिन अगर लग जाएगा ट्रेन में तो एक्सरसाइज कैसे करेंगे, सपाटा और दंड मार के, वहाँ पर जगह होगी कि नहीं होगी, यही सोच में मैं मतलब यही सोच रहा था और कुछ नहीं सोच रहा था। तो अभी को मेरे भाई ने कहा कि भाई तू कर रहा है ठीक है, वो सपोर्ट किया है, तू कर रहा है ठीक है, तू ईटा लेके जा और जहाँ पर मुंह धुलने वाला होता है वहाँ पर ईटा बिछा के तू मार लियो सपाटी और डंड। हम कह भैया बहुत ही धन्यवाद आपका। तो यही होगा कि वीडियो अपलोड नहीं कर पाएंगे भाई, वीडियो अपलोड नहीं कर पाएंगे, इसके लिए सॉरी, क्योंकि वहाँ पर नेटवर्क की इश्यू होगी। उसके अगले दिन दो वीडियो पोस्ट कर देंगे, कोशिश करेंगे कि स्टेशन पर अगर वाईफाई रहेगा तो वाईफाई लेके कर देंगे, वरना भाई मजबूरन तुम लोग समझ ही रहे हो, वो क्रिटिकल कंडीशन में मुझे जाना पड़ रहा है, एकदम समझ लो बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है। ये सब बातें मैं यहाँ पर बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि वो घर वाले बोले हैं कि नहीं बताना है, ठीक है। तो समझ लो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सीरियस मैटर है। तो चलो चलते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट डे में, बाय।